हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, देन ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ अ नंबर सी सच दैट पी ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। पॉलिनोमियल के लिए कोई नंबर सी ऐसा होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा और हमें वैल्यू देगा ज़ीरो, उसे हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू फाइंड करनी है हमें पॉलिनोमियल की 5x-4x² + 3 एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 पे। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट ले रही हूँ एट x इज इक्वल टू -1। इसे करने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू -1 एक्सप्रेशन में। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 5 × -1 - 4 × x की जगह -1, तो -1² + 3 ये बन गया -5 - 4। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, 1 तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का, दैट इज़ ये बन गया -9 + 3। अब इधर फिर से प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बड़ी टर्म 9 है, इसका साइन -6, तो हमारे पास क्या आया पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -6। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। जहाँ जहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 1 के लिए यहाँ पे 1 पुट करते जाएंगे और 2 के लिए यहाँ पे 2 पुट करते जाएंगे। इसे p ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 - 0 + 1, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। p ऑफ 1, 1 का स्क्वायर -1 + 1, वो भी क्या आ जाएगा 1 सॉल्व करके। p ऑफ 2 के लिए 2 का हो जाएगा स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 - 2, 4 - 2, 2 + 1, 3। तो पी ऑफ 0 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, पी ऑफ 1 भी एंड पी ऑफ 2 भी। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में करना है, ओके। इसी तरह से हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 एट एक्स इज इक्वल टू -1/3। जहाँ पे एक्स है, जो हमें वैल्यू दी गई है, वो हम पुट करेंगे। कैसे, ये देखिए पी ऑफ -1/3, जैसे इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू थी -1/3, तो हमने पुट कर दी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आपस में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास -1 + 1, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 0, कैंसिल आउट। तो कोई नंबर सी जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, हमें वैल्यू 0 देगा, वो होता है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1/3, क्या ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर होगा येस। इसी तरह से सेकंड पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - π, x इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4/5, ऐसे कुछ ऐसे। ये हमने x की वैल्यू 4/5 पुट कर दी, -π, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास 4 - π π। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, पी ऑफ सी नंबर सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लेते हैं सेवन्थ पार्ट, 3x² - 1 एट x इज इक्वल टू -1/3 एंड √3, 2/√3। तो जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे हम पहले ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। जब हम फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इसका क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर
पॉजिटिव होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री इंटू वन रूट थ्री का स्क्वायर, तो वो थ्री बन जाता है। और ये माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट और वन माइनस वन इज ज़ीरो, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो माइनस वन बाई रूट थ्री इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम करेंगे टू बाई रूट थ्री। जब टू बाई रूट थ्री करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फोर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, फोर माइनस वन इज थ्री। तो टू बाई रूट थ्री पुट करने पर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आई, तो ये टू बाई रूट थ्री इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। जैसा कि हमें पता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए कोई नंबर आएगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो, पी एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए ये होता है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। मतलब जब इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू हम माइनस फाइव पुट करेंगे तो हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। इसी तरह से थर्ड पार्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, क्या हो जाएगा वो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, सो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, इसको लेगी हम इधर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व होंगे और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।